अरे अरे, ये क्या, नगर निगम तो बनी हुई सड़कों पर ही लुक बजरी डाल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और जालंधर केसरी, मैं हूं आपके साथ जन्नत शुरू। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब सरकार द्वारा दी गई 50 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट के तहत नगर निगम इन दिनों नई सड़कों का निर्माण कर रहा है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि टूटी सड़कों को बनाने से पहले नगर निगम के ठेकेदार अच्छी भली सड़कों पर ही लुक बजरी डाल रही हैं। नगर निगम ने जूनियर मॉडल स्कूल से लेकर मदन फ्लोर मिल की ओर जाने वाली सड़क को बनाने का काम शुरू करवाया, जो बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में थी और अभी भी कई साल और चल सकती थी। ये सड़क केवल चौक के निकट जाकर खराब थी, जिसे अच्छी तरह से पैच लगाकर भी ठीक किया जा सकता था। लेकिन गौरतलब है कि नगर निगम ने इस सीजन में ये दूसरी सड़क बनाई है। पहली सड़क मिशन चौक से डॉक्टर अम्बेडकर चौक की और जाने वाली बनी थी और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में थी। दूसरी बार भी ऐसा ही होने से नगर निगम की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है, जिसे स्पष्ट है कि निगम के अधिकारी करोड़ों रुपए बर्बाद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ठीक ठाक सड़कों को ही दोबारा से और ठीक ठाक बनाना है तो जो खराब है उनकी और कौन देखेगा। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि आप भी जालंधर वासी हैं और आपको भी आने जाने में, टूटी सड़कों पर आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती होगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जालंधर केसरी और पंजाब केसरी के साथ बने रहिएगा। अरे अरे, ये क्या, नगर निगम तो बनी हुई सड़कों पर ही लुक बजरी डाल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और जालंधर केसरी, मैं हूं आपके साथ जन्नत शुरू। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब सरकार द्वारा दी गई 50 करोड़ रुपए की विशेष ग्रांट के तहत नगर निगम इन दिनों नई सड़कों का निर्माण कर रहा है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि टूटी सड़कों को बनाने से पहले नगर निगम के ठेकेदार अच्छी भली सड़कों पर ही लुक बजरी डाल रही हैं। नगर निगम ने जूनियर मॉडल स्कूल से लेकर मदन फ्लोर मिल की ओर जाने वाली सड़क को बनाने का काम शुरू करवाया, जो बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में थी और अभी भी कई साल और चल सकती थी। ये सड़क केवल चौक के निकट जाकर खराब थी, जिसे अच्छी तरह से पैच लगाकर भी ठीक किया जा सकता था। लेकिन गौरतलब है कि नगर निगम ने इस सीजन में ये दूसरी सड़क बनाई है। पहली सड़क मिशन चौक से डॉक्टर अम्बेडकर चौक की और जाने वाली बनी थी और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में थी। दूसरी बार भी ऐसा ही होने से नगर निगम की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है, जिसे स्पष्ट है कि निगम के अधिकारी करोड़ों रुपए बर्बाद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ठीक ठाक सड़कों को ही दोबारा से और ठीक ठाक बनाना है तो जो खराब है उनकी और कौन देखेगा। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि आप भी जालंधर वासी हैं और आपको भी आने जाने में, टूटी सड़कों पर आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती होगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जालंधर केसरी और पंजाब केसरी के साथ बने रहिएगा।